इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में हॉस्टल कैसे मिलता है, क्योंकि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक क्वालिफाई कर जाते हैं, एग्जाम पास कर जाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज एडमिशन के साथ ही कॉलेज आपको ऑफर करता है हॉस्टल की। तो इसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि हॉस्टल किन्हें मिलेगा, क्या ये सिर्फ लड़कियों के लिए सुविधाएं हैं या फिर बॉयज के लिए भी है या दोनों के लिए है, या फिर जो जिस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिला है उसी डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट है तो ही मिलेगा, या कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बाहर से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उन्हें मिलेगा। तो हॉस्टल, पहली बात मैं बता दूं, सभी कॉलेज में नहीं होता है। मान के चलो अगर आपके पास 100 कॉलेजेस हैं तो 100 में लगभग 70 से 80 कॉलेज में ही हॉस्टल होता है, जो थोड़े अच्छे कॉलेज होते हैं, थोड़े बड़े कॉलेज हो जाते हैं उनमें मिलता है। और उसके अलावा दूसरी पॉइंट, बॉयज के हॉस्टल सबसे ज्यादा मिलेंगे और गर्ल्स के गिने चुने चुनिंदा जो आपके हॉस्टल हैं उन्हीं में मिलेगा। कहने का मतलब 80 कॉलेज में हॉस्टल है तो लगभग 70 कॉलेज में बॉयज के लिए केवल रहेगा, 10 कॉलेजेस में गर्ल्स के लिए रहेगा। तो गर्ल्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है कि इनके लिए हॉस्टल बहुत कम बने हुए हैं, बॉयज के लिए फिर भी बहुत ज्यादा बना हुआ है। और हॉस्टल मिलता कैसे है, हॉस्टल अभी आपको नहीं मिलेगा, जब आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप कॉलेज में फीस पे कर लेते हो, उसके बाद आपको जो जिस कॉलेज में पढ़ना है वहां पे भेजा जाता है ना, कि आपको वहां पे पढ़ना है। तो जब वहां पे आप एडमिशन के लिए जाओगे तो उस कॉलेज में, आपके अपने खुद के कॉलेज में हॉस्टल का फॉर्म भरवाया जाता है, या आप जब जाएंगे एडमिशन के लिए तो पूछ लीजिएगा कि सर हॉस्टल है या नहीं, है तो सर हमें हॉस्टल चाहिए, उसका क्या प्रोसेस है, फॉर्म का, या जो भी वो बता देंगे प्रोसेस कि कैसे और कब मिलेगा। हर कॉलेज का अलग रूल होता है तो एक बार आप वहां के स्टाफ से जरूर पूछ लेंगे। उसके बाद हॉस्टल का आप फॉर्म भरोगे, तुरंत हॉस्टल नहीं मिल जाएगा, हॉस्टल भरते समय आप अपने एड्रेस को, डिस्टेंस को, ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट को दिखाना पड़ता है कि आपकी दूरी कितनी है। तो हॉस्टल जब भी मिलेगा दो चीजों पर आपका वेरी करेगा, कि आपका रैंक कितना बढ़िया है, रैंक बढ़िया है तो मिलेगा, प्लस आपकी दूरी ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादातर जितने स्टूडेंट दूर के आते हैं उनको पहले प्रीफरेंस दिया रहता है, और जो सेम डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं उनको थोड़ा सा कम प्रीफर दिया जाता है। मान लो आप किसी सेम डिस्ट्रिक्ट के हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आपको चांस थोड़ा कम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा लेकिन लगभग कम रहता है। तो जिसकी दूरी ज्यादा, इसलिए अगर आप फॉर्म जब भरोगे फॉर्म का, तो आप अपने डिस्टेंस को कॉलेज से, आपके स्टेशन की डिस्टेंस आपको लगभग मालूम होगी, ट्रेन से गए होंगे तो ट्रेन के टिकट पर लिखा होगा, प्लस आप उससे थोड़ी सी ज्यादा दूरी दिखाना, ताकि लगे कि नहीं हाँ, क्योंकि अब स्टेशन के पास ही तो अपना घर है नहीं, या फिर आपका जहां पे घर जिस गांव में जिस शहर में, वो तो वहां के टीचर्स नहीं ना जान रहे हैं। जैसे मान लो मेरा घर किसी कॉलेज से 80 किलोमीटर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 120-130 थोड़ा सा 20-30 किलोमीटर बढ़ा के दिखाएंगे, ताकि दूरी जब ज्यादा रहेगी तो थोड़ा और ज्यादा आपका प्रिफरेंस मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? और हॉस्टल के फायदे बना ले, जैसे हॉस्टल में आपको एक कमरे मिलेंगे और इसमें मिनिमम 3 स्टूडेंट रहते हैं हर एक रूम में, अलग अलग बेड लगे होंगे, आपको अलमारी मिलेगी, प्लस आपके पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं रहेंगी। दूसरी चीज, गर्ल्स के लिए भी रहेंगी लेकिन उतनी अच्छी आपको व्यवस्था नहीं मिलेगी जितनी आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा हाई फाई मिलेगी, क्योंकि इसकी फीस, गवर्नमेंट हॉस्टल की फीस सबसे कम होती है और ये लगभग 2500 रुपए के आसपास होती है, जो पूरे 1 ईयर की है। एक बार आपने हॉस्टल ले लिया 2500 रुपए में, आपका हॉस्टल फीस भी स्कॉलरशिप के साथ वापस आ जाएगी। प्लस दूसरी पॉइंट, आप जब हॉस्टल लोगे तो आपको मेस अलॉट हो जाएगा, मतलब आपको खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि हॉस्टल में तो आप रहोगे ना, खाने के लिए मेस में जाना पड़ेगा, तो मेस में आपका अलग अलग कॉलेज का फीस रहता है, कहीं पे 1800 रुपए लग रहा है, कहीं पे 2000 रुपए लग रहा है, तो इस एवरेज से आपका मंथली वहां पे आपको हर महीने महीने देना होगा। हॉस्टल फीस आपने एक बार दिया और ये मंथली आप अपने खाने का दे रहे हैं, हालांकि आप छुट्टी करोगे नहीं रहते तो उसका पैसा आपका बचेगा। ये चीजें हैं, तो आपको समझ में आया। और प्लस पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, हॉस्टल रहने का मतलब यह है कि आपको एक कमरे में 3 स्टूडेंट हैं, तो ये तीनों ज्यादातर अलग अलग ट्रेड के रहते हैं, कोई सिविल का है, कोई इलेक्ट्रिकल का, तो कोई मैकेनिकल का, मतलब आप अपनी ट्रेड की पढ़ाई कर रहे हो, प्लस आप रूम में रहने लगोगे तो आपकी दोस्ती रहेगी, तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि अच्छा इस ट्रेड में ऐसे पढ़ाई होता है, अच्छा सिविल का है, तो अच्छा इलेक्ट्रिकल में ऐसे ऐसे चीजें हैं, तो आपको वहां पे प्लस पॉइंट है कि सारी जानकारी रहेगी, भले आप एक ट्रेड का पढ़ रहे हो, दूसरे के बारे में भी हल्का फुल्का जानते रहोगे। प्लस दूसरी प्लस पॉइंट क्या है आपकी, आपको सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी, आप बाहरी चीजों से बचे हुए, हॉस्टल में हो तो सेफ्टी ज्यादा है, खाना बनाने नहीं आता है तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है। और उसके अलावा आपको कैंपस में रहेंगे तो खेलने वगैरह के लिए प्लेग्राउंड मिल जाएगा, सारी चीजें रहेंगी, प्लस
कॉलेज जाने में बहुत आसानी रहती है, मतलब यहाँ रूम से निकले हॉस्टल से तुरंत, क्योंकि कॉलेज के कैंपस में ही हॉस्टल है तो आराम से पहुंच जाएंगे। हालांकि ये सबको नहीं मिल पाता, और कोशिश करना फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल ही लें, क्योंकि आपको ज्यादातर सुविधाएं सीखने को फर्स्ट ईयर में ही मिलती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका सीखने में निकल जाता है। पढ़ाई तो कम ही करोगे, आप ज्यादातर चीजें सीखोगे, आप अलग अलग शहर से गए हो, वहां पे दूसरा अलग अलग शहर का लड़का आया तो उसके बोलने का तरीका, उसके तो चीजें बैलेंस करनी पड़ती है थोड़ा सा, तो आपको वहां पे कई चीजें सीखने को मिलेंगी। उसके अलावा आप टीचर से कनेक्ट रहोगे, क्योंकि हॉस्टल में टीचर्स भी बीच बीच में आते रहते हैं, सीनियर्स आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका हॉस्टल है तो सीनियर्स का भी हॉस्टल रहेगा, समझ रहे हैं, तो काफी ज्यादा प्रोटेक्शन रहता है, हर एक एंगल से बेस्ट है। लेकिन एक एंगल से थोड़ा सा दिक्कत होगा खाने की वजह से, मतलब खाना का आप इरेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा कि नहीं बहुत बढ़िया खाना मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है कि चीजें कहीं पे कोई अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, लेकिन फिर भी उतना रहेगा कि आप उसे अपना काम चला सकते हो। ठीक है, ये सारा एक्सपीरियंस हम लोग खुद फील कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हॉस्टल में रहे हुए हैं और एक साल हॉस्टल में रह लोगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपको जैसा पसंद होगा, हॉस्टल अच्छा लगेगा तो हॉस्टल में, बाहर अच्छा लगेगा तो बाहर रहेंगे, बाहर रहेंगे तो थोड़ा सा आपका कम पैसा लगेगा, समझ रहे हैं, और आपकी पढ़ाई की माहौल हॉस्टल में ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आप घर पे कैसे पढ़ते हो आपको नहीं मालूम कि बाकी लड़के या जो टॉपर हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, वहां पे सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट हैं, एक एक हॉस्टल में सैकड़ों स्टूडेंट हैं, तो आप देखोगे कि अरे यार ये तो अभी 2 बजे तक पढ़ रहा है, ये 3 बजे तक पढ़ रहा है, मतलब ऑटोमेटिक पढ़ाई का माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिश करना हॉस्टल जरूर मिले। आई होप आपको इस इंफॉर्मेशन में सारी चीजें समझ में आई होंगी, और आपको हर एक पॉइंट पे हेल्प किया जा रहा है रेशवा एकेडमी पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल के द्वारा। और अगर कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई किया जाएगा। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहां से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डेली सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, प्लस आपके आने वाले जो दोस्त हैं छोटे भाई बहन है आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो, अगर पॉलिटेक्निक की वो तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन और बिल्कुल कम प्राइस में, यानी इतने कम प्राइस में आपको पूरे ईयर पढ़ाया जाता है, ये आपकी सफलता अभी से निश्चित करेगी। तो अगर आपको किसी को सजेस्ट करना है तो आप जरूर करेंगे। इस चैनल पे नए होंगे वैसे स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है।